देखिए क्वेश्चन है जेईई मेन 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट वन का क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगल एबीसीडी विथ एबी इक्वल टू 2 एंड बीसी इक्वल टू 4 इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल पीक्यूआरएस सच दैट वर्टिसेस ऑफ एबीसीडी लाइज ऑन साइड्स ऑफ पीक्यूआरएस देन मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीक्यूआरएस इज स्क्वायर रूट। देखो बहुत आसान है, या पहले किए भी हो गए। ठीक है, तो आप देखो ये है एक रेक्टेंगल, ठीक, पी क्यू आर और एस, एक रेक्टेंगल आपको इसके अंदर बनाना है। ठीक है, एक रेक्टेंगल आपको इसके अंदर बनाना है, ये आपका है ए बी सी डी। अब जानते हो रेक्टेंगल में इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होता है, हमने इसको थीटा अज्यूम किया, ये नेचुरली क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा। ठीक, अब आप देखो ए बी आपने 2 दे रखा है और बी सी कितना है 4 है, तो ये बी क्यू कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा, ठीक है, और ये 4 साइन थीटा। ठीक, यहां देख लो 2 साइन थीटा पी बी और ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखो ये नेचुरली आप क्या कह सकते हो, ये 4 साइन थीटा होगा, आप कैलकुलेट कर लेना ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। हम देख करके हैं सिमेट्री होगा, अभी इसमें लेंथ 2 cos थीटा आया था, 4 sin थीटा बचा हुआ था, यहाँ वाला यहाँ 4 sin थीटा था तो 2 cos थीटा बचा हुआ था, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड का इक्वल लेंथ होता है। ठीक है, अब आप देखो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखना है, तो हम देखो क्या करेंगे PQRS का एरिया लिखना है, तो आप देखो ये अंदर में 18 यूनिट, ये हमें 8 यूनिट तो पता ही है, 4 दुनिया 8 यूनिट का एरिया यही हो गया, ये चारों रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दें हमें मिल जाएगा। आप देखो इसका एरिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 साइन थीटा कॉस थीटा हाफ, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया, तो ऐसा ही आपका ये वाला होगा, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, प्लस वैसा ही अब इसका लिखो तो हाफ 16 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो होगा यही ये होगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, प्लस अब ये वाला एरिया था जो 8 यूनिट का था। ठीक है, यही हमारा पूरा ट्रायंगल का एरिया है, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 ले ले तो 2 साइन 2 थीटा, प्लस इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 ले ले तो 8 साइन 2 थीटा प्लस 8 विच इज इक्वल टू 10 साइन 2 थीटा प्लस 8। अब आपसे मैक्सिमम कह रहा है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है द पॉसिबल एरिया इतना, तो 10 प्लस 8 क्या होता है 18, तो 18 ही आया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे।